हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ शंकर पारा, जो एक स्वीट डिश है। क्रंची ओम को स्पेशली ज़्यादा पसंद है। एंड इसमें मैंने दूध लिया है, दूध के साथ इक्वल अमाउंट में शुगर मिक्स की है, और फिर इसको गर्म करके अच्छी तरह से जब शुगर मेल्ट हो गई है, तब मैंने इसको प्लेन फ्लावर, जिसको हम मैदा बोलते हैं, इसमें मिक्स कर रही हूँ मैं अभी। और रोटी जैसे हम बनाते हैं वैसे इसका आटा बनाना है। थोड़ा सा सॉफ्ट आटा रहेगा तो अच्छा है, अब बनाने में इजी रहेगा हमारे लिए। और स्पेशली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैदा, बहुत स्पेशली मुझे भी आई वॉज़ कन्फ्यूज़ कि मैदा आटा नहीं है तो फिर क्या है। तो ये प्लेन फ्लावर मैदा है, वो गेहूं से ही बना होता है, लेकिन जो गेहूं की आउटर स्किन होती है, जो बाहर की स्किन, उसको स्पेशल वो मैदा की मील से अलग निकाल के बाद में जो अंदर का वाइट पार्ट होता है उससे ये मैदा बनता है। और जो बाहर का पार्ट होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादातर व्हीट फ्लावर पसंद करते हैं खाने में, रेगुलर यूजेस में। लेकिन मैदा भी कुछ ऐसे ख़राब नहीं है खाने में, क्योंकि जब हम गेहूं का आटा खाते हैं तो उसमें भी सिर्फ 20 या 25% तक जो बाहर का स्किन होती है वो होती है, बाकी ये अंदर का वाइट जो होता है वही होता है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज बनती है मैदा से, तो आप अपने बच्चों को खिलाए, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और बस मैंने ये सॉफ्ट बना लिया है पूरा, और अब मैं इसके जैसे रोटी जैसे ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा थिक भी नहीं, ऐसे मीडियम साइज़ में बड़ी सी रोटी बनाऊंगी। और इसमें बहुत सारे लोग घी भी डालते हैं, मैंने आज घी नहीं डाला। लेकिन अगर आप आटा जब बनाते हो तब उसमें दूध और शक्कर ये मिक्स जो आप डालते हो, तभी उसके साथ ही आप घी भी डाल सकते हो। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। ये बस एक रेसिपी है जो मैं बनाती हूँ, ओम को अच्छी लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट रेसिपी है, सब लोगों की अलग अलग ओपिनियन होते हैं, सब अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, उसका नाम डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे शंकर पारा का नाम डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट होता है, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और अब मैं बना रही हूँ ये शंकर पारा, जिसमें मैं बड़ा सा रोटी जैसा राउंड बना के बाद में मैं इसको छोटे छोटे डायमंड या स्क्वायर पीसेस में कट करके साइड में रख लूँगी, पहले सारे ऐसे, और बाद में बस इसे फ्राई करना है। ये बहुत ही फेमस गुजराती डिश है, और जब भी कुछ भी फेस्टिवल होता है जैसे दिवाली या जन्माष्टमी, हम ये शंकर पारा ज़रूर बनाते हैं। और स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स की ये फेवरेट डिश है, क्योंकि इजी है खाने में भी, और आप चाय के साथ भी खा सकते हो, वैसे भी खा सकते हो। और बहुत सारे लोग सॉल्टेड भी बनाते हैं, इसमें मैंने शुगर और दूध मिक्स किया है, और शुगर और दूध मिक्स करने से ये क्रंची बनेंगे, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं।
तो बस अब मैं शक्करपारा को फ्राई करने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी सारे बना लिए हैं, अब बस इसको फ्राई करना बाकी है। मैंने डायमंड शेप्स में बनाए क्योंकि ओम को वो ज़्यादा पसंद है, और थोड़े से बड़े बड़े बनाए हैं। और बस इसको जब तक मीडियम ब्राउन हो जाए तब तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। और इसके बाद शक्करपारा को जैसे 15 to 20 मिनट्स तक, जब तक अंदर तक पूरा ठंडा हो जाए तब तक इसको बाहर ही रखना है, ढकना नहीं है। और तब तक ये सॉफ्ट लगेंगे, तो जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये क्रंची लगेंगे, क्रिस्पी लगेंगे। तो बाद में आप शक्करपारा को एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हो, और जैसे 15-20 दिन तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी बच्चों को खाना है आप दे सकते हो। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बच्चों की फेवरेट है। बड़ों को भी अच्छी लगती है, लेकिन स्पेशली बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि ये चिपक जाते हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि सबको सेपरेटली डालूँ, लेकिन अगर कोई साथ में भी है तो वो फिर अंदर ऑयल में जाके अलग हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच, जो लास्ट मैंने स्वीट डिश बनाई थी थेपला, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसमें सजेशंस दिए थे, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जो बोलते हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो भी मुझे बताया, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी सजेशन दिया कि आप इसको घी में भी बना सकते हो, तो मैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वो ट्राई करूँगी। तो हमारे वीडियोस का ये नहीं है कि बस इस वीडियो से ही सीखे, मैं भी बहुत बार आप लोगों से सीखती हूँ, आपकी कमेंट्स से मैं वो एडवाइस लेती हूँ। तो बस अगर मेरी कोई मिस्टेक्स हो जाए तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस मैं अपने जो मुझे जो जितना पता है उसी स्टाइल में मैं बनाती हूँ। और बस जो ओम की फेवरेट चीज़ें हैं स्पेशली, वो मैं स्पेशली आज सैटरडे है, तो मैं एवरी सैटरडे को कुछ नया ओम के लिए बनाती हूँ, तो फिर वो 2-3 4 दिन तक वो खा सके। जैसे लास्ट वीक मैंने थेपला बनाया था, एंड इस वीक मैं ये शक्करपारा बनाती हूँ जो ओम को पसंद ज़्यादा है। और इससे भी डिफरेंट डिफरेंट मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, और स्पेशली जो बच्चों को अच्छी लगती है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल।